1991 में इस पाकिस्तानी एक्टर ने बॉलीवुड में बेहद तहलका मचाया था। मोहसिन खान, जो कि 80 के दशक में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मशहूर प्लेयर रहे और पाकिस्तानी टीम के कोच भी। 1990 में जेपी दत्ता ने पहली बार इन्हें अपनी मल्टी स्टारर फिल्म बंटवारा में पहला ब्रेक दिया था। इसके बाद इन्होंने कुछ और फिल्में की, लेकिन इनके चेहरे को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली 1991 की महेश भट्ट की फिल्म साथी से, जिसमें ये आदित्य पंचोली के साथ नजर आए थे। अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। और आज भी लोग इन्हें इसी फिल्म के लिए याद करते हैं। मोहसिन खान ने साथी के अलावा गुनेगार कौन, फतेह, लाल साहब, मैडम एक्स और 1994 की लाठी चार्ज जैसी फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड में इनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी 1997 की फिल्म महानता। 1997 के बाद मोहसिन खान ने भारत और बॉलीवुड दोनों को अलविदा कह दिया। मोहसिन खान की शादी 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय से हुई थी, लेकिन बाद में इन्होंने एक दूसरे से तलाक ले लिया।